प्रणाम। देश विदेश की बातें सुनने और पढ़ने में मूवी टिकटॉक आदि देखकर अनर्थ दंड विनम्र व्रत बहुत बांध लिया। आओ हम सब मिलके कोरोना लॉकडाउन के 21 दिन को आत्मचिंतन का महोत्सव बनाने की एक छोटी कोशिश करते हैं। महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज ने शांत सुधारस ग्रंथ में 12 भावनाएं बताकर हम सभी पे अनंत उपकार किया है। पहली, अनित्य भावना। कुछ दिनों पहले हमें अंदाजा भी नहीं था कि पूरा विश्व कोरोना के सिकंजे में आ जाएगा। हम सब इधर उधर मस्ती में घूम रहे थे। एक सूक्ष्म एकेंद्रीय विषाणु ने पूरे विश्व में तहलका मचा दिया। आज ऐसी नौबत आ गई है जो हमें नित्य लगता था, ऐसे स्वजन संपत्ति किसी का भी कुछ भी नहीं चल रहा। यहाँ तक कि हमारे स्वजन भी इस लॉकडाउन के कारण हमसे कई दूर अटके हुए हैं। इसका भी आप सभी ने अनुभव किया होगा। अतः सिर्फ आत्मा और धर्म ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। दूसरी, अशरण भावना। इस महामारी के सामने बड़ी से बड़ी महासत्ता ने अपने घुटने टेक दिए। ये तो आपने सुना ही होगा और अभी अभी पढ़ने में आया कि झारखंड जिले के एक डॉक्टर को आइसोलेशन वार्ड में पोस्टिंग की तो उस डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके ऊपर स्वास्थ्य हेड का नोटिस आया और उन्होंने वापिस से ज्वाइंट करने की चेतावनी दी। आखिर हम जाए तो किसकी शरण में? सिर्फ एक, परमात्मा। और परमात्मा ने बताए धर्म का शरण ही सच्चा है, बाकी सब अशरण है। तीसरी भावना, यानी संसार भावना। इस महामारी ने संसार का वास्तविक स्वरूप नजरों के सामने खड़ा कर दिया। यदि पिता को कोरोना से संक्रमित हो जाए ना, तो सभी परिवार जनों से दूर लेके जाके हॉस्पिटल में सारवार करते हैं और यदि उनकी वहाँ मृत्यु हो गई तो अंतिम संस्कार के लिए उन्हें देखने तक नहीं देते। अरे कोई उनके करीब भी जाना नहीं चाहता। परसों ही अहमदाबाद के एक विस्तार की खबर पढ़ने मिली। दंपत्ति डॉक्टर क्लिनिक से घर आए तो बिल्डिंग वालों ने आने को ही मना कर दिया, ऊपर से पुलिस को बुला लिया। एक और डॉक्टर लोगों के जीवन बचाने में जुड़े हैं और वहीं उन्हीं डॉक्टरों को अपने घर से बेदखल किया जाता है। देख लीना संसार की स्वार्थी भावना। यदि इस संसार में सुख है तो समस्या भी है, संपत्ति है तो दुख भी है। आज है तो कल नहीं भी होगा और कल मिलेगा तो क्या पता आगे हमारे हाथ में रहेगा या नहीं। जैसे आज ये रोग है तो कल आरोग्य भी होगा और उसे दूर करने के उपाय भी मिलेंगे। भले आज पूरा विश्व कोरोना से हलबल गया है, डर गया है, पर कल ये कोरोना भी चला जाएगा। यानी इस विश्व में सब कुछ अनित्य है। आत्मा और धर्म में नित्यता का भाव देखकर, परमात्मा के वचन का शरण लेकर, आओ संसार की स्वार्थी भावनाओं को ध्यान में रख के अनंत काल से जो चीज़ें मिलती आई हैं उसके पीछे अनंत काल के बाद जो जैन धर्म मिला है उसे गुमाना नहीं है। यही भावना के साथ थाना का फ्रेंड्स ग्रुप विश्व में हो रही इस विषम परिस्थिति में अपनी मनःस्थिति को संभाव में रखने एवं सभी को शाता पहुँचे, यही भावना के साथ आत्मचिंतन के 21 ऑडियो लेकर आ रहे हैं। आज 12 भावना में से 3 भावनाएं हमने सुनी। अगले ऑडियो में आगे की भावना सुनने के लिए आप हमारे ऑडियो का इंतज़ार करोगे ना?